हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। आम और लहसुन का मिक्स अचार बनाएंगे। देखिए, आम को हम कद्दूकस कर लिए हैं और ये आधा केजी आम है। इसमें लहसुन क्रश करके डाल लिए। अब इसमें डालेंगे मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। ये सब मसाले को हमने भूंज लिया है। भूंज के इसको पीस के तैयार कर लिए। इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालें। नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही चाहता है, ऐसे अचार खराब नहीं होता है। 2 से 3 चम्मच नमक डाल लें। मिर्ची स्वाद अनुसार डालें। हमने 1 चम्मच मिर्ची डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें। सिरका डालने से अचार टेस्टी भी लगता है और ख़राब भी नहीं होता है। अब इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल हम गरम करके डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे, थोड़ा सा कराई डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अच्छा रहता है। ये तेल गरम हो जाए। देखिए, तेल पक चुका है। इसमें का सरसों, हींग जो भी डाले हैं सब पक गया है। अब गैस को बंद कर दीजिए और तेल को इसमें अब इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम चटक अचार लगता है। आप अपने घर में ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये अचार सालों सालों साल भर चल जाएगा। आप रख दें इसको। देखिए, अब ये अचार मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। से मिक्स हो गया है। इसको ढक के एक दिन ऐसे ही रख दें। एक दिन बाद इसको खोल के फिर इसको कांच के बर्तन में रख दें, चाहे जो भी आपके पास डिब्बा हो, लेकिन डिब्बा को अच्छी तरह धो के सुखा लें। ऐसे अचार खराब नहीं होगा। नहीं तो आप गीले बर्तन में अचार रख दोगे तो अचार खराब हो जाएगा। आपको अचार टेस्टी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।